हेलो जी, गुड मॉर्निंग सारे नू। आज मैं होगी लेट क्योंकि बच्चे गए, बच्चे भी थोड़ा लेट हो गए थे, उनका एग्ज़ाम था। मैं उनको पढ़ाने लगी सुबह और फिर लेट हो गई थी थोड़ी सी। उसके बाद काम भी करना था और शायद मार्केट भी जाना, इसलिए मैंने फटाफट काम कर लिया। तो वीडियो बनाने में आज होगी लेट। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बट अभी 10:30 ही हुए हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ यार। तो और बताइए, आप सब कैसे हो? शायद आज मार्केट जाऊँ तो कुछ आपको देखने को मिले। मुक्सर का बाज़ार, मुक्सर की सड़कें, इतना भीड़ा भीड़ा बाज़ार। तो चलिए आज आपको दिखाऊंगी, अगर मैं गई तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे शायद जाना है। फिर मैं नहा धो के इतनी रेडी हो जाती हूँ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप बताइए आप सब कैसे हो, और थैंक यू जिन जिन लोगों ने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है। अभी 2 दिन से मेरे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो थैंक यू दिल से उनको। और आगे आगे वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, मैं तो रेडी होकर आ गई हूँ और हम फाइनली मार्केट जा ही रहे हैं। कैंसिल हो गया था, फिर तैयार हो गए, तो अब हम मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। ये देखिए, आयुष भी जा रहा है मेरे साथ मार्केट, और इसकी मम्मा भी जा रही है। तो ये आयुष और मैं जा रहे हैं मार्केट, ऑटो का हम वेट कर रहे हैं। आयुष, ऑटो मिल गया, अब हम जा रहे हैं मार्केट बहुत टाइम के बाद। और एक ड्रैकुला भी आई है साथ में, कहती है वीडियो मत बनाओ, दिखा दूंगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ये देखो, ये इसकी मम्मा आई, उसकी मेरी सिस्टर आपने देखी होगी, ये अपनी शक्ल नहीं दिखाती, वी आई पी है ज़्यादा। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट में, स्टार है हम लोग, जो आसमान में चमकेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बाजार में। बहुत दिन बाद हम साथ में बाजार जा रहे हैं, शायद 3 साल बाद, है ना? काकू की पार्टी की तभी साथ में गए थे ना? क्यों, उसके बाद कितनी बार जाए, लास्ट ईयर भी गए हैं काकू होने से पहले। सब गए, क्या लेने गए थे? लोहड़ी का मेला देखने, मेला देखने गए थे। हाँ, फिर भी हमें बहुत टाइम हो जाता है हम साथ में बाजार नहीं जा पाते हैं, बाइक के चक्कर में कभी उनके साथ कभी मेरे साथ। आयुष मेरे को गौर से देखना है, क्या बोल रही है, देखो आगे जाएंगे मेरे को। मैं तो आज गोरी गोरी लग रही हूँ, तैयार हो गई, तो काली पड़ी लग रही हो ना, गोरी गोरी। फ्रेंड, मुक्सर के भीड़े भीड़े बाजार देख रहे, छोटी सी सड़क और उस पर डिच डिच करते, इधर गायें खड़ी हैं, इधर छोटी सी सड़क है। भैया गायें बाद में देख लियो, बल्ले ले चल सीधा सीधा। इससे ज़्यादा भीड़े गली तो कहीं पे भी नहीं होगी, कितना भीड़ है बाजार, दिल्ली लग रहा मुझे तो, भीड़े भीड़ी गली। ये वाला ब्लैंकेट दी क्या, डबल बेड की रजाइया दे दे, उड़ा के सुहा देंगे। ये बनी जा रही है ना, ये वाली बस भैया। तो ये आ गई हम शॉप पर, कपड़े वाले पे। 15 इसको बंद कर, 15 16 ही। ये भी सुंदर लग रहा, पीच कलर, वो वाला ही ये लो। ये वो रही है दोनों, ये दोनों ये हो रही है। किसकी शॉप पे आया? बंटी फैशन। कहाँ पे है? घास मंडी चौक में, बंटी फैशन। और वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है सूटों की, सुंदर सुंदर सूट हैं बहुत सारे। आप लोगों को भी लेना है तो आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर है वैरायटी। यंग के हिसाब से यंग वैरायटी है, बिट्टो के हिसाब से बिट्टो की वैरायटी है। ये जो पहन के बैठी, ये भी इनसे लिया हुआ है ना, तो देखो। देखिए भैया की सारी दुकान खिलरवा दी, इतने सूट निकाले हैं। और अभी मैडम को सूट पसंद नहीं है, सूट बहुत सुंदर सुंदर है, जिसको भी लेना इधर शॉप पे आ जाना। और प्राइस भी रिजनेबल है, अभी तक हमने तो पूछे नहीं है, बट हम पहले लेते हैं। यार ढेर लगा लिया कपड़ों का,
भैया की शॉप पे कितना ज़्यादा कबाड़ा मचाया, इतने सारे सूट निकले हैं, बट वैरायटी एक से एक है, हर तरह की ट्रेंडी वैरायटी है। ये देखिए तो मोस्टली ट्रेंड में ये चलता है सूट, आपने देखा भी होगा। इसका दुपट्टा है और ये दुपट्टे तो बहुत चले हुए हैं, तो अब आप आके देखिए यहाँ पर बहुत सी वैरायटी मिलेगी। तय लगा रही है मेरा दुपट्टा और वो सूट रखा हुआ है, ये मेरी सिस्टर ने दिलाया मुझे, बकाया था इसका मेरा सूट, बट मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ये लिया है। अब हम दोनों पहन के फिर जाएंगे सिरसा, ठीक है, एक जैसा सिलवाएंगे, ठीक है, ट्विन्स सिस्टर बन के जाएंगे। जब हम जाते हैं, बस हो गया हमारा, हम तो हो गए फ्री और चले हैं घर पर, भूख लगी है बहुत जोर से, अभी देखते हैं शॉप के पास से जाएंगे तो समोसे पूड़ियाँ ले जाएंगे। ये तो बेचारी देखना भूख से कितनी कमजोर होगी। अब हम चलते हैं घर पे, शॉपिंग हमारी होगी जो हम लेने आए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश होने के बाद और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हुई पड़ी है, घर जाके पड़ेगा। बाजार छोड़ के ये हमारे घर के पास बीकानेर वालों की शॉप है, इधर आए हैं हम कचौड़ी और क्या लेने आई है, ये 10-10 रुपए की मिठाई ले रही है, सारी ले रही है, ये कैंसिल हो गया। आयुष आयुष भी आया चिज्जी लेने, स्माइल तो एटीट्यूड में दे रहा थोड़ी सी क्योंकि भूख लगी हुई है, कचौड़ियाँ लेके जाते हैं खाएंगे, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। देखिए टेस्टी है क्या, सॉरी मैं तो आ गई हूँ घर पर और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और गर्मी है बहुत ज़्यादा, मेरे काकू भी आ गए हैं स्कूल से, मेरे करण अर्जुन स्कूल से आ गए हैं, आके हमने खाई है कचौड़ियाँ, कोल्ड ड्रिंक पी है और अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यार, बहुत दिन बाद गई हूँ शायद, तब लग रहा है और वैसे भी बारिश करके गर्मी है, थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं, हम बाद में मिलते हैं। मैं खा रही हूँ छोले वाला समोसा, मनु ऐसे ही खा रहा है, अंशु खा रहा है राइस साथ में समोसा क्योंकि भूख लगी हुई है, कचौड़ियाँ तो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी थोड़ी खाई थी और ख़त्म हो गई थी, तब समोसे भेजे हैं, आकर खाना बनाने का जी भी नहीं किया ऐसे, तो समोसा खाते हैं। मेरी सिस्टर को भी देख के आई हूँ, मेरे साथ गई थी, उसने रोटी तो बनाई है बट बोली समोसे खाने हैं, चलिए समोसा खाते हैं। ये है समोसा लवर और ये भी है ना। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे ही हों। मैं तो कपड़े वगैरह धोने लगी थी तो अब फ्री हो गई हूँ और बच्चे तो ट्यूशन चले गए थे, अब शाम हो गई है और वो अभी गए हैं, हम बातें कर रहे थे बैठे थे, तो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी, सब्जी आ जाएगी बाहर से, और जब से मैं बाज़ार से आई हूँ मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, कपड़े वगैरह धो लिए, अब बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और आटा वगैरह गूंथ के रख देती हूँ, फिर देखते हैं बच्चे भी आ जाएंगे, चलिए फटाफट काम कर लेते, काम के चक्कर में कोई वीडियो भी नहीं बनती, कहीं जाना भी नहीं होता, क्या कर यार काम भी करना है, तो चलिए हाउस वाइफ का तो ऐसा ही चलता रहता है, फटाफट बर्तन वगैरह धो लेते हैं। तो जी मैं बर्तन वगैरह धोकर फ्री होकर आ गई हूँ, सब्जी तो आज बाहर से आएगी, आटा गूंद दिया है, अब मैं हूँ फ्री, तो बच्चे आने वाले हैं बट क्या करूँ, टीवी देखने का ही मन नहीं करता, सच बताऊँ तब से जब से वीडियो बनाने लगी हूँ तब से मैंने टीवी बहुत ही ज़्यादा कम देखा है, अब बिग बॉस शुरू हो जाएगा फिर मेरा टीवी शुरू हो जाएगा, वो मेरा टाइम फिक्स है, अभी इस टाइम मैंने खाना बना के फटाफट बस बिग बॉस देखना है और इतना सा भी नहीं छोड़ना, ऐड में भी मैं लगा के रखती हूँ, बीच में ऐड आ जाती है तब भी मैं लगा के रखती हूँ, वो बोलेंगे कि ऐड आ रही है अभी तो दे दो, तो भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, जिस दिन वो खाना लेट खाएं ना बिग बॉस आता है और खाना लेट खाएं और मेरा बिग बॉस बीच में मिस हो जाए, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा चढ़ता, हम दोनों की लड़ाई हो जाती, तो फिर मुझे देखना पड़ता है फ़ोन में, तो मेरा बिग बॉस शुरू हो जाए, बट सिद्धार्थ शुक्ला को मैं बहुत मिस करूंगी, बिग बॉस देखूंगी तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ उनके साथ तो, पर अब दुनिया में जो आया उसे जाना है, हमें भी जाना है, उनकी सोच सोच के मुझे इतने टेंशन होने लगी है कि वो तो इतने फिट रहते हैं, सेलिब्रिटी हैं, इतने फिट रहते हैं खाने पीने का हर टाइम टू टाइम, बट हमारा तो कोई टाइम नहीं होता, कभी भी हम कुछ भी खा लेते हैं या खाना भी लेट सेट हो जाता है, तो हम लोगों का क्या होगा,
तभी किसी ने एक सही गाना बनाया कि खाओ पियो ऐश करो मित्रो, है ना। मेरी दादी थी ना, वो भी बड़े शौकीन थे, बट जब वो बीमार रहने लगे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब वो बीमार रहने लगे हर चीज़ से परहेज करे, सारा दिन दवाइयाँ खा के उनकी जीभ भी फूल गई थी, वाइट वाइट होने लगी थी, और किसी भी चीज़ का उनको टेस्ट नहीं आता था क्योंकि दवाइयाँ खाते थे, पहले सो के उठते थे तब दवाइयाँ खानी, फिर कुछ खा के खानी, रात को सोते हुए खानी, दिन में दो टाइम खानी, शाम को खानी, कभी कभी तो भूल भी जाते थे, उल्टी सीधी दवाई भी खा लेते, तो हम उनको पूरा ध्यान रखते थे कि कौन सी दवाई कब लेनी है, मोस्टली मैं और मेरी सिस्टर उनका ध्यान रखते थे कि कब उनको कौन सी दवाई देनी है, हम ही लेके आते थे जैसे। बट यार सपना एक दिन चले जाना है यार, इसलिए ज़िंदगी को एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो, जो मन करता है वो करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ गलत मत करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी के साथ गलत मत करो, बट खुश रहो, जो अपने मन की इच्छा है वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी पूरी करो, बट पूरी करनी चाहिए। एक दिन चले जाना, उसके बाद कभी लाइफ में लौट के वापस नहीं आना, पता नहीं कौन सी जूनी में जन्म लेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमें तो कुछ याद भी नहीं होगा, नाम पता होगा हमें पता होगा, और पीछे कुछ दिन रोएंगे, थोड़े दिन पछतावा करेंगे, हर उसका वो होता है, उनकी कमी तो हमेशा खलती है, बट इंसान लाइफ जीनी शुरू कर देता है, कोई किसी के साथ नहीं मरता, सब अपनी लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं, एक नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है, धीरे धीरे सब कुछ होता है और बंदा नॉर्मल हो जाता है, बट ये लाइफ कभी दोबारा नहीं मिलती, जो एक बार चला गया वो कभी नहीं आया, ये चीज़ सोच के मुझे इतना रोना आता है ना, मुझे बहुत दुख होता है, अभी मैं या मेरे हस्बैंड में कभी वो ना पहले चले जाए और कभी मैं ना जाऊँ, मेरे दिमाग में हमेशा किसी को देख के बातें आती, वो मैं हमेशा बोलते हैं कि जब तक हैं तब तक एंजॉय करो, कोई बात नहीं, एक दिन तो सब ने जाना, बट डर लगता है फिर भी सोच के, फिर कोई भी लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, बट सब ने जाना है एक दिन, क्या कर सकते हैं, हमारा उस चीज़ पे कोई जोर नहीं है, इसलिए प्यार से रहो सबके साथ और एंजॉय करो लाइफ को, बस कुछ नहीं है लाइफ, मिट्टी है शरीर, कितना कुछ करते हैं यार, सक्सेस करते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ने के बाद हाई एजुकेशन चाहिए यार, पढ़े नहीं क्या बोलेंगे, किसी को बाहर जाना है, किसी को अच्छी जॉब करनी है, किसी को अच्छा पैसा कमाना है, किसी को अच्छी पोस्ट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लड़ रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, बट एक दिन तो यार सब कुछ चला जाता है, और आपको पता है इसी चक्कर में कितने लोग अपनी लाइफ जी नहीं पाते हैं, किसी को ये होता है गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसका सारी लाइफ एम यही रहता है गवर्नमेंट जॉब करनी है, कैसे भी मिल जाए, तो आधी लाइफ उसकी इसी टाइम इसमें निकल जाती है, देखते सोचते कोशिश करते हुए, और वो क्या इन्जॉय करता है, और गवर्नमेंट जॉब में जब चलो किसी को मिल भी जाती है, जो लक्की होते हैं पर्सन उन्हें मिल भी जाती है, और मिलने के बाद यार गवर्नमेंट जॉब है तो ऐश है, ठीक है, पेंशन मिलेगी, अच्छी जॉब है, कोई ऐसी सिरदर्दी नहीं है, अभी छुड़वा देंगे ऐसा कुछ किसी करो, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, टाइम होता है, जाना है, ये करना है, वो करना है, गवर्नमेंट जॉब के सौखी होती है यार, अब वो टाइम टेबल और ड्यूटी निभाते निभाते भी उनकी आधी उम्र निकल जाती है, रिटायरमेंट के बाद वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, अपनी जो लाइफ जीने का टाइम था वो चला जाता है, फिर क्या रह जाता है, तो इसलिए यार अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी लाइफ में जो मन करता है उसे ज़्यादा पूरा नहीं कर सकते, खुल के नहीं कर सकते, बट किसी ज़रिए तो पूरा करो, तो इसलिए खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कुछ नहीं है लाइफ में, किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, और मैंने तो आपके साथ मेरी फीलिंग शेयर कर दी है, क्योंकि वो तो मेरी ऐसी बातें सुनते नहीं हैं, वो कहेंगे तू ऐसी बातें मत किया कर, फालतू बातें मत सोचा कर, कोई बात नहीं, एक दिन जब आएगा तो आना ही है, बट दिमाग में आ जाती है यार, सारा दिन घर में फ्री होते कुछ ऐसा देख लेते हो, दिमाग में चलता रहता है, तो जिसको भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे साथ शेयर किए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए कमेंट्स में, और मैं फ्री हूँ, टीवी देख लेती हूँ, थोड़ी देर आपसे इतनी सारी बातें कर ली मैंने, मेरा मन हल्का हो गया, तो बस यही था, कल मेरी सिस्टर आएगी और उसको करवा के लाएंगे शॉपिंग,
क्योंकि हम उसकी है मैरिज और बार बार बच्चों को लेकर, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों को लेकर बार बार इतने दूर जाना, गर्मी में बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो वो तो अकेले हमने बोला यहाँ पे आ जाओ, अपने शहर से दिला देंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब तरह से यह भी गए लिया और अपने घर पर आ गए, वो हेडेक कम होते। लेकिन यहाँ से तैयार होकर सिरसा जाओ, सिरसा से तैयार होकर फिर मार्केट जाओ, फिर किसी के साथ दुकान पर मथा कपाई करना शॉपकीपर्स के साथ कि रेट अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो पसंद आ गई चीज़ का रेट नहीं पसंद आना। तो यहाँ पर सो जानकारी यार अपने शहर में कहीं से भी ले लेंगे, इसलिए उसको यहाँ बुलाया। अब शायद वो कल आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर उसकी शॉपिंग। शॉपिंग तो शादी में दिखाएंगे, जो पहनेंगे जो करेंगे तो शादी में दिखाएंगे, बट कुछ कुछ तो आपको दिखाऊंगी। चलिए बच्चों भी वेट करते आने वाले हैं। ये ले अंशु, अंशु मनु आ गए ट्यूशन से और किंडर जो है, अब अंशु मनु इसमें से निकाल लेंगे गिफ्ट। अब देखना ये देखो, दिखाओ ये देखो मम्मा ये तो क्या निकला है। टेबल पे डाल, टेबल पे ये ले। निकला। अरे बेटा ये पड़ा तेरा चॉकलेट वाला, एक अंशु का है गिफ्ट वाला, एक अंशु का खोल उसको आधा आधा, ये तेरा बेटे चॉकलेट और ये वो देख अंशु का तो अब खुला है। हाँ बेटे मन्नू ने सच्चा चॉकलेट तो निकले, निकला गिफ्ट निकला है। अंशु का क्या गिफ्ट है अंशु, गिफ्ट किस में खड़का के देखो इसको, ऐसे ऐसे शेक कर इसको बेटे, ऐसे मूव कर अंशु, ऐसे इधर देख मेरे साइड, ऐसे कर हिला के देख पहले इसमें चॉकलेट है क्या, गिफ्ट है दिखाओ। वाह कितने सारे गिफ्ट निकले किंडर जॉय में। चलो अंशु वाले साइड कर दो, मनु वाले साइड में जोड़ती हूँ। ओके तो मैं जोड़ती हूँ इनका क्या बनता है। फ्रेंड्स अंशु का तो जुड़ गया है, ये कुछ ऐसा बना है, ये देखिए अभी मन्नू का नहीं जुड़ रहा, मन्नू का जोड़ते हैं। ये देखिए मन्नू का तो कुछ ऐसा सा ही बना है, इसमें एक चीज़ है नहीं मिस है, इसलिए ऐसा ही बना है। उनसे मेरा बहुत मन कर रहा था पकोड़े खाने को ग्रीन सॉस के साथ, अभी मैंने उनसे थोड़े से पकोड़े मंगवाए खाने के लिए, तो ये लेके आए। देखिए ये देखिए पकोड़े फ्रेंड्स, ये हमारी शॉप के पकोड़े हैं जो सब्जी में डालते हैं, और फ्री के पकोड़े भी देख लो चार ही लेके आए हैं, ऐसे हैं ये। एक तो गोलगप्पे भी निकलाए कल, पकोड़े भी निकलाए, अब शॉप वाले मंगवाए ना, ये चार पकोड़े आए हैं बुखड़, उसमें से भी खुद खा जाएंगे आधे, ये ऐसे ही हैं सारे खाएंगे। अभी मैं आपकी वीडियो आपके ऊपर रखती हूँ देखना, टेस्ट ही आपने सॉस, ये चटनी दही वाले गोलगप्पे तो खिला देते, नहीं तो आज मैं आपका बैनर से भंग करूंगी। ओए जी जिसका मन कर रहा है खा लो, शॉप पे पकोड़े भी मिलते हैं जिसको चाहिए। मैं तो नहीं खाता हूँ, देख रहे हो फ्रेंड मैंने कहा था ना मैं वीडियो दिखाऊंगी, खाए हैं कि नहीं खाए, झूठ कितने सारे खाए हैं, खत्म कर दिए। जब मन होता है तभी अच्छे लगते हैं, सुबह या रात की बात नहीं होती है ना फ्रेंड्स, सब खा रहे जी। तो फ्रेंड्स रात हो गई है और मनु मेरा सो गया कब का, क्योंकि दिन में सोया था, थका हुआ था, सो गया। और अंशु अभी जाग रहा है, इसको मैं देती हूँ दवाई, और देखिए अपने आप ही दवाई के लिफाफा उठा के ले आया है, तो इसको मैं दवाई देती हूँ, दूध पिलाती हूँ और फिर इसको सुलाती हूँ। तो ब्लॉग का करते हैं आज मैं यहीं पर एंड, इससे ज़्यादा और मेरे पास कुछ भी नहीं आज दिखाने के लिए, तो ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सो मेरे ब्लॉग को कीजिए एंजॉय, मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा आपको, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और बस लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। तो आपके जो वीडियो को एंजॉय, तो टेक केयर, बाय, गुड नाइट।